भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ गया है। पहले दोनों देशों के डिप्लोमेट्स को सस्पेंड किया और अब नई दिल्ली ने कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया। दोनों देशों के बीच तनाव उस वक्त बढ़ गया जब कनाडा के पीएम ने खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया। वीजा सेवाओं के निलंबन की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई। हालांकि कनाडा में वीजा आवेदन केंद्र चलाने वाले BLS इंटरनेशनल ने इस संबंध में अपनी कनाडाई वेबसाइट पर एक मैसेज पोस्ट की। इस संदेश में लिखा, भारतीय मिशन से महत्वपूर्ण सूचना, परिचालन कारणों की वजह से गुरुवार से भारतीय वीजा सेवाओं को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया है। इस मामले पर एक भारतीय अधिकारी ने निलंबन की पुष्टि की, लेकिन इसको लेकर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, भाषा स्पष्ट है और यह वही कहती है जो वह कहना चाहती है। यह पहली बार है जब भारत ने कोविड-19 महामारी के बाद वीजा निलंबित किया है।